हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो हमें इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उनको हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. ये इक्वेशंस हमें गिवन है. ठीक है, पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो बाय एलिमिनेशन मेथड 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट, और 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं. इसमें हम x वाली या फिर y वाली टर्म को सेम बनाएंगे. देखो, सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2. सारी सेकंड इक्वेशन 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इधर भी और इधर भी. तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4x माइनस, और फिर से 2 से 2 टू जा 4y, 2 टू जा 4. ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड. अब हमारी y वाली टर्म सेम होगी. देखो यहां पर भी 4y है और ये जो इक्वेशन है इसमें भी 4y है. ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड करने पर y वाली टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाएगी. ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड 3x प्लस के 4y प्लस के 4y इक्वल टू 10. ठीक है, और थर्ड है हमारी 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी थर्ड, इनको हम ऐड करेंगे. 3x और 4x ये हो जाएंगे 7x. अब ये प्लस के 4y माइनस के 4y, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इक्वल टू प्लस के 10 प्लस के 4, तो ये कितने हो जाएंगे 14. ठीक है, अब 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. इसको काटेंगे 7 पर ऊपर नीचे, 7 1 7 और 7 2 14. ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 2. अब इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10. ठीक है, यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है हमारी 2. x इक्वल टू 2 रखेंगे यहां पर, प्लस के 4y इक्वल टू 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस के 4y प्लस के 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10, ये 6 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4y इक्वल टू 10 में से 6 गए 4, अब 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ऊपर नीचे 4 से कट करेंगे हम, 4 1 4. ठीक है, तो y की वैल्यू यहां पर आ गई हमारी 1. यहां पर हमारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, ये हमारा आंसर है. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. ठीक है, फ्रॉम 1, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगी. ठीक है, 3x इक्वल टू 10, ये इधर प्लस का 4y है, इधर आके माइनस का 4y हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. ठीक है, हमारी ये रही 2x माइनस के 2y इक्वल टू 2, यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू रखी, 10 माइनस के 4y बाय में 3 माइनस के 2y इक्वल टू 2. अब यहां पर बाय में 3 है, इसलिए पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देखो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूं, ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारा बचेगा 2 ब्रैकेट में 10 माइनस के 4y. ठीक है, तो अब इस टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6. ठीक है, y इक्वल टू, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6. ठीक है, तो आप 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 y माइनस के 6y इक्वल टू 6. 20 माइनस के, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ऐड कर देंगे. ठीक है, और साइन यहां पर माइनस का ही आएगा.
8 और 6, 14 वाई इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस के 14 वाई इक्वल टू 6, ये इधर प्लस का 20 है, इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे, 20 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेगा 14, बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस, ठीक है। वाई इक्वल टू, अब ये माइनस का 14 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 वन जा 14, ठीक है। वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, वाई इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू को मैं 1 में पुट करूंगी, फ्रॉम 1, 3x प्लस के 4y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 1 आया था हमारा, यहाँ पर 1 रखेंगे, 3x प्लस के 4 ब्रैकेट में 1 इक्वल टू 10, 3x, 4 वन ज 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10, प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 10 में से 4 गए 6, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 3 टू जा 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई 2 और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आई थी 1, तो ये हमारा आंसर आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।